क्या है? भ्रष्टाचार की पूरी रणनीति, 15 लाख का काम 2.5 लाख रुपए में, पत्रकार पर हमला कर चैनल की आवाज दबाने का प्रयास। हम बात कर रहे हैं पंचायतों में कराए जा रहे वाटर सेट निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है, जो कि आपको देखकर खुद ही समझ आ जाएगा। ये चेक डैम 14,87,278 रुपए की लागत में बना हुआ है और ये आप देख सकते हो महज एक पक्का डैम है। इसका ढह जाना साबित करता है कि भ्रष्टाचार कितने अपने चरम पर पहुंच चुका है। जाबरोल पंचायत में करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच के मुंह से आह तक नहीं निकलती कि अपने ही पंचायत में इतने करोड़ों का घोटाला करना क्या एक मुनासिब है। अब आप देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कैमरा पर्सन से द्वारा कि आप देख सकते हैं कि महज एक ही बरसात में ये पक्की डैम का ढह जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण नजर आता है। और यहाँ पे स्थानीय लोगों से भी हम जानेंगे कि ये डैम कितनी के लागत में बना हुआ है और कितनी समय सीमा में बना है और यहाँ पे कितने मजदूर के द्वारा काम लिया गया है। सरपंच का काला खुलासा, भ्रष्टाचार का खास मुकाबला खबरगति टीवी पे। ये डैम कितनी लागत में बना हुआ है? करीब 15 लाख रुपये। ये पक्का डैम बना हुआ है? पक्का डैम का ढह जाना ये साबित क्या करता है, क्या कहना चाहोगे आप? सर, हम भ्रष्टाचार साबित कर रहा है। ये कितने समय सीमा में बना हुआ है? अब ये 4 महीने पूर्व पहले ही बनाया गया है। तो क्या अभी पहली बरसात में इसका ढह जाना? पहली बरसात हुई है, इसको बने ही 3 महीने कम्प्लीट हुए हैं, पहली बरसात में ढह गया है। इसमें कितने बेरोजगार काम करने आए थे? हमारा तो कोई श्रमिक देखा नहीं। जैसी मशीन से नींव खुदवा दी जाती है, उसमें बोल्डर भर दिया जाता है आपके सामने सूखा बोल्डर, और उसी से निर्माण करा के 2-2.5 लाख रुपये का ठेला दे दिया जाता है प्राइवेट लोगों को। वो ना इसे बना करके तैयार कर देते हैं, 15 लाख के काम में 2-2.5 लाख रुपये साइड पर खर्च किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर वाटर सेट में भ्रष्टाचार कैसे। तो बता दें कि 15 लाख के निर्माण कार्य की स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लेनी होती है, लेकिन सरपंच, सचिव और एपीओ की मिली भगत से निर्माण कार्य की राशि 15 लाख से कम कर खुद ही स्वीकृति जारी कर ली और चेक डैम का निर्माण किया गया, जिसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी लागत से बनाया गया है, जो कि पहली ही बारिश की भेंट चढ़ गए। ग्राम पंचायत जाबरोल में ऐसे एक चेक डैम का निर्माण नहीं, अपितु लगभग 30 से अधिक निर्माण कार्य कराए गए हैं, जिनकी शिकायत खबरगति चैनल के स्टेट कोऑर्डिनेटर एहसान अली खान द्वारा की गई। लेकिन जब खबर का कवरेज करने हेतु उक्त स्थान पर पहुंचे और कवरेज कर लौटते समय सरपंच, सचिव द्वारा चैनल की टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें स्टेट कोऑर्डिनेटर को सिर में गंभीर चोट आई। लेकिन चैनल की टीम ने जान दांव पर लगाकर करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा करने में सफलता हासिल की। अब सिर्फ और सिर्फ देखना यह होगा कि क्या दोषियों के विरुद्ध प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। आखिर सच क्या है, शो के माध्यम से हम खबरगति टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर सच क्या है। करोड़ों के घोटाले जो कि हम उजागर करने जा रहे हैं आज खबरगति टीवी के माध्यम से जाबरोल ग्राम पंचायत के। यहाँ पे हमारे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है बर्स कोड, TSN नंबर, ASN नंबर, लागत। ये लागत लिखी हुई है 14,87,278 रुपए की और वर्ष 2019-20 मानव दिवस 24/41/260। यहाँ पे उजागर करता है कि भ्रष्टाचार अपने कितने उच्च चरम पर जा चुका है। यहाँ पे करोड़ों के घोटाले एक ही पंचायत में नजर आते हैं, तो क्या प्रशासन अपना सिर्फ मूक दर्शन बनके ही देख रहा है? अब हम आपको दिखाएंगे अपने कैमरा पर्सन से, कहते हैं कि चेक डैम को थोड़ा सा दिखाने का कष्ट करें हमारे दर्शकों को। रोक दो, पॉज कर दो वीडियो, बोलो वीडियो रोक दो भाई। अब बात आती है कि आखिर सच क्या है।
तो शिकायत के आधार पर 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, लेकिन विडंबना यह है कि जिन कर्मचारियों को टीम में लिया गया है वो भला अपने ही खिलाफ आखिर कैसे चार्जशीट बनाएंगे? क्या कोई अधिकारी कर्मचारी स्वयं के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का खुलासा कर सकता है? जाबरोल पंचायत का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि 29 दिसंबर 2015 तथा 1 जनवरी 2016 को भी धारा 40 तहत हमारे द्वारा शिकायत की गई, जिसमें कार्यवाही करते हुए सचिव को सस्पेंड किया गया और रोजगार सहायक को नौकरी से बर्खास्त किया गया, लेकिन सरपंच ने लेन देन कर राजनीतिक दबाव के चलते खुद को कार्रवाई से बचा लिया। आप यहाँ के स्थानीय लोग और हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पे ये डैम क्या 14 लाख 15 लाख की लागत में बना हुआ है? नहीं मेरे वो। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम पोधिकारी है। जी कौन सी पंचायत है ये? जावरोल पंचायत। डैम किस पंचायत में बना गया है? जावरोल पंचायत। इस डैम की क्या 15 लाख की लागत हो सकती है? नहीं होगी, 2.5 लाख रुपए खर्च हुई है बस। ये डैम पक्का डैम है? पक्का डैम दर्शाया गया है या कच्चा डैम के नाम से दर्शाया गया है? पक्का। पक्की डैम का ढह जाना इतने महज दिनों में क्या साबित करता है? कच्चा सूखा बॉन्डर और सीमेंट है नहीं रहता है। नहीं तो ऐसे में निर्माण कार्य चल सकता है क्या? नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपने सरपंच के लिए क्या कहोगे आप अपने ग्रामीण के जो के करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं आपके पंचायत में? तो भाई हम तो नो कह रहे हैं सरपंच के सही लागत लगाओ, हिसाब से लगाओ। ग्राम बत्ते गाँव यहाँ पे पैसा शासन का ये थोड़ी है, 15 लाख में 2.5 लाख खर्च कर दो और 10-15 लाख हम भीतर रख लो। ये क्या भ्रष्टाचार नजर आता है आपको? बिल्कुल साफ आ रहा है भ्रष्टाचार कितने चरम पर पहुंच चुका है अपनी पंचायत में, करोड़ों को घोटाला। आपकी पंचायत में कितने निर्माण कार्य कराए गए हैं और कितने चेक डैम बनाए गए हैं? 15-20 चेक डैम है, सब बर्बाद है पूरे। वो भी क्या इसी लागत में बनाए गए हैं? इसी लागत में। कितनी लागत है मैच? 14-15 लाख की लागत में बने हुए हैं। तो ये क्या करोड़ों का घोटाला सामने बिल्कुल ही है? बिल्कुल सही है, पूरे ग्रामवासी खड़े उनसे के वाले चाहिए थे। सच यही है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है? हाँ ऐसा बिल्कुल जी। जैसा कि हमने अभी ग्रामीण से जाना कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका है यहाँ की पंचायत में, और यहाँ के चेक डैम कच्चे पक्के सभी का ढह जाना साफ साबित करता है और बताता है करोड़ों रुपए का घोटाला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आखिर सच क्या है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे दिखाएंगे हमारे अगले इसी प्रोग्राम में कि सबलगढ़ की कितनी पंचायतों में नींव रखी गई है। आखिर सच क्या है खुलासा में हम पहुंच चुके हैं आज दूसरे डैम पर, जहां पे ये 14,96,877 रुपए की लागत में बना हुआ है ये डैम। और मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाएं कि इस चेक डैम की हालत क्या है। इस चेक डैम की हालत हम आपको बता दें कि ये कि एक बिना फाउंडेशन के बना हुआ डैम है, जिसमें 14,96,877 रुपए की लागत में ये डैम बना हुआ है। और इस डैम का ऐसी इस तरह से ढह जाना बिल्कुल इस बात का गवाह है, साक्षी है कि करोड़ों रुपए का घोटाला निर्माण कार्य में कराया गया है। ये चेक डैम एक पक्का चेक डैम दर्शा के बनाया गया है और इसका ढह जाना 14,96,877, एक बार हम फिर बताते हैं 14,96,877 रुपए की लागत का ये डैम ऐसे ढह जाना। एक औसत आयु रहती है डैम की जो कि मिनिमम 15 साल रहती है, और एक ही बरसात में इस डैम का ढह जाना भ्रष्टाचार का खुलासा सरे आम करता नजर आ रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कुछ ग्रामीण भी, तो उनसे भी हम जानते हैं कि क्या है इसका खुलासा। ये इसकी क्या कितनी लागत में ये डैम बनाया गया है? 14,96,000 का जी। तो ये इसकी समय सीमा कितनी रही थी डैम को? इसे बने हुए 3-4 महीने हुए तकरीबन। कि औसत आयु रहती है डैम की और इस तरह ढह जाना किस बात का गवाह है? उसके अंदर कमजोरी है, उसमें पत्थर के अलावा कुछ लगा ही नहीं है, ऊपर से टीप कर दिया गया है, उसका फाउंडेशन कतई बनाया नहीं गया है, तो ऐसी स्थिति में तो बह गई ढह गई और क्या हुआ। क्या ये 4 महीने में पहली बरसात हुई है तो इसके बरसात में ढह जाना क्या
क्या और साक्षी मानते हैं आप? सरेआम भ्रष्टाचार का खुलासा करता है। 15 लाख रुपए की कीमत से शासन का 15 लाख रुपए जिस निर्माण कार्य पर खर्च किया जा रहा है उसकी लागत में 2 लाख रुपए जो है वहाँ पर है स्पॉट पे, तो भ्रष्टाचार तो सरेआम नजर आ ही रहा है। इस तरह कभी और डैम बने हुए हैं तो वो क्या ढहे हैं 4 महीने के अंतर्गत? करीब जितने भी डैम बने हैं उसमें से 2-4 ही बचे हैं, बाकी 18-20 के करीब सारे डैम इसी तरह ढह गए हैं पहली बरसात। ये करोड़ों रुपए का गुलासा सिर्फ अपनी पंचायत में या और पंचायतों में भी? अन्य पंचायतों के बारे में तो अपन नहीं कह सकते, यहाँ बॉर्डर साइड स्कीम है, मनरेगा का पैसा खर्च हो रहा है तो इसमें कोई लिमिट तो है नहीं। अब पंचायत जितना चाहे उतने कार्य करा डाले, देखने वाला कोई है नहीं। ये पॉइंट ऐसा है यहाँ सभी नहीं है तो कभी जीवन में आई नहीं है और न कभी आएगा। मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को कार्य दिया जाता है जी, तो यहाँ पे कितने श्रमिकों द्वारा कार्य लिया गया है? नहीं, हमारी नज़र में तो वो श्रमिक है नहीं जिनने यहाँ आकर के काम किया हो, यहाँ तो सारा काम जैसी मशीन से किया जाता है लेबर का। तो मनरेगा खाते में जो कोई पैसा आता है वो किस हिसाब से निकाला जाता है? उनके वो लेबर है उनसे संबंधित जो लाभान्वित हो रही है उनको खातों में डाल के निकलवा लिया जाता है। एक एक व्यक्ति के 3-3, 4-4 फर्जी जॉब कार्ड बना लिए जाते हैं, उनके ATM बना लिए जाते हैं, और बैंक से जो है पंचायत की बॉडी सचिव सरपंच और रोजगार सहायक यही आरण करते रहते हैं। जैसा कि जानकारी में हमने जाना कि यहाँ पे श्रमिकों को बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे सिर्फ JCB मशीन की खुदाई से ही ये निर्माण किए गए हैं। और मैं अनुरोध करूँगा कैमरामैन से कि यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाएं, जो कि फाउंडेशन कहा जाता है और हमारी गांव की भाषा में इसे नींव कहा जाता है। बिल्कुल नींव नजर नहीं आएगी आपको कहीं भी, बिना नींव के एक चेक डैम का निर्माण होना सरासर गलत इशारा करता नजर आ रहा है। ये स्पष्ट खुलासा करता है कि ये भ्रष्टाचार है करोड़ों रुपए का। खास आपकी पेशकश में खबरगति चैनल बार बार इसी चीज को दोहरा रहा है कि सरपंच द्वारा यहाँ पे करोड़ों का घोटाला किया गया है। और यहाँ पे और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फोदी कारीगर था जी। कौन सा काम है ये? जावरोल पंचायत। ये जावरोल पंचायत में ये कौन सा दूसरा डैम है? दूसरा डैम है जी। इसकी लागत कितनी रुपए की है? 14.5 लाख। 14.5 लाख की लागत में ये कितने समय में बना हुआ डैम है? 3 महीना हुआ है। 3 महीने में इस डैम का ढह जाना क्या बात का सबूत देता है? सबूत का रेसोर्ट है, पूरे गांव वाले खड़े सब देख रहे हैं। क्या 4 महीने में डैम ऐसे ढह सकता है? नहीं, कभी नहीं बह सकता है। बजे तो कोई लगाएंगे नहीं, सीमेंट फीमेंट तो वो तो जाएगा वो तो। जैसे कि आपने अभी बताया कि आप एक महज कारीगर हो, और कारीगर के नाते से मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इसमें क्या नींब और मसाला गिट्टी रेत सीमेंट पर्याप्त मात्रा में मिलाया गया है? नहीं मिलाया गया, फाउंडेशन नहीं खोदा है बिल्कुल। और ठेका देते हैं 2 लाख रुपए में, मैं मटेरियल थे, वो कारीगर बेचारा पाए बाल बच्चे तो बेचे, वो नहीं भी तो सू को रखे जाता है, टिप कर देता है बस। सीधा सीधा निशाना सरपंच की तरफ जाता है और प्रशासन की तरफ जाता है, रेवेन्यू की तरफ जाता है कि इनके अधिकारियों द्वारा ऐसे बिल पास कैसे किए जा सकते हैं, जबकि सैंपलिंग के तहत उपयंत्री जैसे कि इंजीनियर को यहाँ पे आना होता है, परंतु यहाँ पे स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पे कोई इंजीनियर निर्माण कार्य को देखने के लिए नहीं पहुँचता है और करोड़ों रुपए का घोटाले में सम्मिलित नजर आता है। खबरगति न्यूज बार बार एक ही बात दोहराएगी, करोड़ों का घोटाला साक्षी है और हम बार बार आपको कहेंगे कि सतर्क रहे और सच का खुलासा करें। आखिर सच क्या है? ऐसे करोड़ों के घोटाले अगर एक ही पंचायत में नजर आएंगे तो और पंचायत मध्य प्रदेश शासन क्या मूक दर्शन बने हुए देख रही है, भ्रष्टाचार का बढ़ावा देते हुए नजर आता है मध्य प्रदेश शासन एवं प्रशासन। और हालांकि निम्न स्तर से ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि सरपंच सेक्रेटरी रेवेन्यू और भी तमाम अधिकारी इनके द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये बढ़ावा इतने उच्च स्तर तक पहुंच चुका है आज कि ये 14 लाख 15 लाख मिनिमम लागत में 22 डैम का निर्माण किया गया है, और 22 डैमों के निर्माण के बाद भी ये डैम एक भी सुरक्षित नहीं है। एक औसत आयु होती है इसकी करीब 15 साल, जो कि 4 महीने जैसे कि माना जा रहा है कि अभी पहली बारिश भी अच्छे से ढंग से नहीं हुई और उससे बारिश से ढह जाना ये
बिल्कुल साक्ष्य बता रहा है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। एसएनबी वीडियो, आप कौन हो? आपके जो जावरोल में कि आपकी पंचायत में जो मनरेगा और बाधा योजना अंतर्गत के काम चल रहे हैं, इन कामों को मजदूरों द्वारा किया जा रहा है जबकि मजदूरों द्वारा होना था, तो आपने कभी सरपंच सेक्रेटरी से कहा है कि मजदूरों को मजदूरी दो? बोला है। क्या कहते हैं सरपंच सेक्रेटरी मजदूरी का कोई काम नहीं, मजदूरी का मजदूरी के लिए बताया है, उन्होंने जो बोला है आगे तक कि हमारे पास मजदूरी के लिए कोई काम नहीं है। जो ग्राम पंचायत जावरोल में मनरेगा वाटर शेड योजना के अंतर्गत काम चल रहा है, ये काम है मशीनरी से किए जा रहे हैं, क्या आप लोगों को यहाँ मजदूरी मिल रही है? नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। तो मजदूरी के लिए कभी आपने सरपंच से कहा है? हाँ कहा। क्या कहा सरपंच ने? क्या सरपंच साहब हमको मजदूरी दो। उसने क्या कहा? क्या हमारे पास कोई मजदूरी नहीं है, आपके घर पहुँच जाए। इस कोरोना जैसी महामारी में लोग पूरी तरह परेशान है, ऐसी स्थिति में आप लोगों से खाने के लिए आपने कभी सरपंच से ये कहा कि हमें खाने के लिए भी परेशानी आ रही है, हमारे पास कोई धंधा नहीं है, काम नहीं है? बहुत बोला। यहाँ पे अपने दर्शकों को दिखाएंगे हम कि महज बॉन्डर सिर्फ बिना सीमेंट रेत गिट्टी के ही रखा गया है, और इसका ढह जाना ये साबित करता है कि सरपंच द्वारा करोड़ों का घोटाला किया गया है और प्रशासन सिर्फ मूक दर्शन बन के देख रहा है। इस पर सख्ती से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ग्रामीण, और करोड़ों का घोटाला उजागर करते, और हम ग्रामीणों से जानते हैं कि ये कितनी समय सीमा में बना है, ये कितने समय सीमा में बना हुआ है? हाँ, 2.5 लाख में। कितने समय में बना हुआ है ये डैम? बने कितने दिन आए गए? कितने? 3 महीने हो गए। 3 महीने में बना हुआ है। यहाँ पे कितने श्रमिक काम करने आए थे? ठेकेदार द्वारा बनाया गया ये। क्या आपको लगता है कि 15 लाख की लागत में बना हुआ डैम? नहीं, 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे ये पक्का डैम है या कच्चा डैम है? कच्चा था। ये कच्चा डैम, यहाँ पे सीमेंटीकरण तो चल रही है? नहीं चल रही है। तो आप देख सकते हो कि महज करोड़ों का घोटाला एक ही साथ में उजागर करते नजर आएंगे। बात बताए, नरेगा योजना अंतर्गत वाटर शेड के जो काम चल रहे हैं, इस जो काम मजदूरों से होना था ये मशीनरियों से कर रहे हैं, तो इसमें क्या मजदूरों को मजदूरी मिल रही है? काम हो रही भैया? नहीं मिल रही है। भाई। तो मजदूरों की इस समय क्या हालत है? कोरोना जैसी महाबीमारी चल रही है, ऐसी स्थिति में मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए दादा, पेड़ पर बच्चा रहेगी काम के। आप देख रहे हैं आज हमारा खास प्रोग्राम आखिर सच क्या है, और आज हम उपस्थित हैं जावरोल पंचायत में, जो कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील के अंतर्गत जावरोल पंचायत आता है, और जावरोल पंचायत में इतने घपले किए जा रहे हैं कि यहाँ पे 22 चेक डैमों का निर्माण लगभग किया गया है, जो कि 14 से 15 लाख की मिनिमम लगभग राशि में किया गया है, और पहली ही बरसात में इसका ढह जाना अपने भ्रष्टाचार के चरम को दिखाना देख रहा है। और हम खड़े हुए हैं अभी जावरोल ग्राम पंचायत पर, और हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ की सच्चाई क्या है, चेक डैमों की सच्चाई। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबरगति न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ट्विटर, and you can also follow us on Instagram.